हेलो एंड वेलकम का स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप एशिया डिवीजन 2 क्वालिफायर की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर हांगकांग अंडर 19 वर्सेस कतार अंडर 19 के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर KCA T20 की वीडियोज़ मिल जाएंगे, यहाँ से RCA T20 का आज फाइनल मैच होने वाला है उसका मैच इसका भी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनके अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FreeSheet27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी। बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 11 बजे अल अमीरत क्रिकेट ग्राउंड ओमान क्रिकेट मिनिस्ट्री टफ 2 में खेला जाएगा। देखो मिनिस्ट्री टफ 1 में नहीं, आज हम सेकंड मैच कवर करें, वैसे रेगुलर बेसिस पर हम लोग फर्स्ट मैच कवर करते हैं, लेकिन दोनों ही मैच पिच की बात करो, दोनों ही पिच के ऊपर रन्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। एवरेज यहाँ पर 250 के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। देखो यहाँ पर बात करें हांगकांग और कतार, ये इक्वली आंकड़े। देखो यहाँ पर बात करूँ, हांगकांग पिछली मैच जबरदस्त जीत के आ रही है, कतार लास्ट मैच अपनी हार के आ रही है, लेकिन सिंगापुर के सामने हार के आ रही है। जो कि सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर एक ठीक ठाक टीम है यहाँ पर, बाकी कतार हांगकांग को टक्कर दे सकती है। तो ये हो स्कोर तो अच्छा देखने को मिल सकता है, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को हेल्प इक्वली हेल्प मिलेगी, स्पिनर्स को मिडल ओवर्स के अंदर हेल्प अच्छी खासी मिल सकती है। बात करें ऐसे हांगकांग की, तो एक मैच खेली और जीत के आ रही है। ओपनिंग में कौन आया था यहाँ पर, जॉर्डन बॉशफील्ड और या से डार्क मंगुकिया, दोनों ने ओपनिंग किया था, सॉरी डार्क नहीं दक्ष मंगुकिया, दोनों ने ओपनिंग किया था। अभी बात करें इंपॉर्टेंस की, तो देखो अभी तो अभी के लिए दोनों को ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आशा रहेगी इनसे कि अगली मैच के अंदर भी एक अच्छा स्कोर इनकी तरफ से आ सकता है। तो इन दोनों को ही एज ए प्लेयर हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, या से जॉर्डन बॉशफील्ड और या से दक्ष मंगुकिया, दोनों को लेके जाएंगे। बाकी मुदस्सर खान एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवन इस बंदे को आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग से भी ऊपर आया था, वन डाउन आया था और ओवर्स 3 ही करवाई, लेकिन आपको बता दूं 10 ओवर्स पूरी करेगा। क्योंकि इससे पहले इन्होंने T20 की बात करूँ तो 4 मैच के अंदर 5 विकेट निकाले हुए, 26 रन किए हुए और 8 ओवर्स की गेंदबाजी की हुई है। तो यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 10 ओवर्स पूरी करवाएंगे, क्योंकि सामने बात करूँ पहले मैच वो जब खेले थे तब ये ना वन साइडेड जीत के आ रहे थे, तो सामने वाली टीम बहुत ही जल्दी आउट हो गई थी और इसी कारण इसे इन्होंने पूरी ओवर्स नहीं करवाई, बाकी ऐसे पूरी ओवर्स करवाएंगे। तो यहाँ से मुदस्सर खान एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रह सकते हैं आपके लिए। अब्दुल समद खान अभी देखो 3 ही मैच खेले, जहाँ पर 228 रन अंडर 16 के अंदर T20 मैच के अंदर 3 मैच के अंदर, जहाँ पर एक मैच के अंदर उन्होंने 124 रन किए थे, ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर, क्योंकि इस मैच के लिए इनकी विकेट्स गिर सकती है। लास्ट मैच तो काफ़ी जल्दी जीत गए थे ये लोग, कुछ ज़्यादा करने का नहीं था इनके पास तो, लेकिन यहाँ पर अगली मैच के अंदर अब्दुल समद खान की बैटिंग भी आ सकती है और ऐसे इनसे एक अच्छे स्कोर की उम्मीद भी कर सकते हो। आई थिंक शायद मैं यहाँ से अब्दुल समद खान को जरूर लेके जाऊँगा। बाकी अलियार जहीर खान, जहीर मोहम्मद की बात करो तो ये थोड़े से ओके रहेंगे, इतने कुछ खास इनके रिकॉर्ड नहीं, हालाँकि 4th नंबर या फिर 5वें नंबर पर खेलने के लिए आ सकते हैं। पार्थ भगवत वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, 5 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए ये भी 10 ओवर्स पूरी करवा सकते हैं। वैसे अंडर 19 की बात करूँ तो वहाँ पर उन्होंने ओवर्स नहीं की थी, लेकिन बैटिंग काफ़ी अच्छी की थी, यहाँ से करीबन 40 के ओवर से 119 रन किए थे उन्होंने 3 मैच के अंदर, तो बैटिंग काफ़ी अच्छी करवा लेते हैं पार्थ भगवत, तो आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, इनको जरूर लेके जा सकते हो अपनी टीम के अंदर। बाकी आयुष गर्ग की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर इन्होंने भी 5 ओवर्स की गेंदबाजी की और ये भी आपको लगभग यहाँ से 7-8 ओवर्स तो करते हुए नजर आएंगे हर एक मैच के अंदर, तो ऐसे गर्ग को ट्राई कर सकते हो आप लोग ऐसे एज अ प्लेयर। बाकी अहान त्रिवेदी टीम की कैप्टनशिप करवा रहे हैं, इससे पहले इनके 5 मैच के अंदर 11 विकेट थी, यहाँ पर बात करो तो लास्ट मैच के अंदर बंदे ने 5 विकेट निकाली हुई है, इससे पहले भी इन्होंने एक बार 3 विकेट भी निकाली हुई थी, तो रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में और विकेट्स वगैरह हर एक मैच के अंदर निकाल सकता है, टीम की कैप्टनशिप भी करवा रहा है, तो एज अ प्लेयर के साथ यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो भी कर सकते हो, हालांकि बैटिंग से कोई खास उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि बैटिंग से इतने इफेक्टेड रहते नहीं है, लेकिन बॉलिंग से हर एक मैच के अंदर विकेट निकालते हुए नजर आ सकते हैं।
दर्श वोरा की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर 6 ओवर्स की गेंदबाजी की, 1 विकेट निकाला। ओवरऑल भी उनके दो मैच के अंदर 8 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट। हर एक मैच के अंदर ऐसे 1 से 2 विकेट जरूर निकालेगा, तो ऐसे दर्श वोरा आपके लिए एक बेहतर पिक रहेंगे, इनको जरूर ट्राई करना है। बाकी अंश दोषी और ऐसे आर्यन चंद्रीमणि ये ओके रहेंगे। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे डी वोरा और अंश त्रिवेदी स्टार्ट करेंगे, और बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। देखो कतर ने अपना लास्ट मैच जीत हार के आ रही है सिंगापुर के सामने। ओपनिंग में कौन आया था, ऐसे अनंथ नारायण और जैसे हेतुल डी पटेल, और दोनों ही से एक्सेप्टेशन थी यहाँ पर ओवर्स डालने की, जहाँ पर अनंथ नारायण ने तो की ओवर, उन्होंने वैसे भी ऐसे 4 मैच के अंदर 9 ओवर्स की गेंदबाजी की हुई T20 के अंदर, जहाँ पर 2 विकेट भी निकाले हुए हैं। लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 1 ओवर्स की गेंदबाजी की। जैसे हेतुल डी पटेल ने वो भी नहीं किया, लेकिन एज अ प्लेयर यहाँ से रिस्की तौर पर इनको लेना पड़ेगा। बाकी अनंथ नारायण भी थोड़े से रिस्की टाइप के पिक रह सकते हैं। जोशुआ की बात करूँ तो ये एक मुझे इफेक्टेड प्लेयर लग रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर्स की गेंदबाजी की, विकेटलेस रहे, बैटिंग से उन्होंने 6 रन किए। इससे पहले इनके एक आंकड़े मिले थे, 1 मैच के अंदर 24 रन थे, 3 विकेट थे, 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते वनडे के अंदर। तो आई थिंक शायद यहाँ से बॉलिंग से अच्छा कर सकते, भरोसा कर सकते हो इनके ऊपर। बाकी शेख जाहिद हुसैन थोड़े से ओके टाइप के पिक रहेंगे, लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, तो अगर कोई अच्छी चॉइस नहीं मिली तो ट्राई कर सकते हो। बाकी इतने कुछ खास फॉर्म में दिखे नहीं है वो। तहा सरफराज शाहबाज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इससे पहले भी उनका एक रिकॉर्ड मिला था, जहाँ पर 1 मैच के अंदर उन्होंने 42 रन किए हुए थे, 1 ओवर्स की गेंदबाजी की थी, विकेट लेस रहे थे। लास्ट मैच के अंदर ओवर्स तो नहीं करवाई, लेकिन बैटिंग से 77 रन जरूर किए, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। बात करिए ऐसे जैक जोयमन जोसेफ की, लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं करवाई, बाकी ओवरऑल 35 मैच के अंदर 28 विकेट निकाले हुए बंदे ने, टीम की कैप्टनशिप करवा रहे हैं। बैटिंग से भी ऐसे करीबन 14 की वजह से 423 रन किए हुए, लेकिन लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, कभी भी ऐसे 2 से 3 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकता है। इनको आप लोग रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हो। वैसे देखो इनके ऊपर पंट प्लेयर बनेगा आपके लिए, अगर ओवर्स करवाता है, विकेट वगैरह चटकाता है, तो आपको वन साइडेड विनिंग भी करवा सकता है। लेकिन लास्ट मैच के अंदर ओवर्स करवाई नहीं, तो भी ऐसे हम लोग कह नहीं सकते कि अगली मैच के अंदर ओवर्स करवाएगा या नहीं करवाएगा। बाकी बैटिंग से आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है, ट्राई कर सकते हो। अच्छा डिफरेंशियल वे में श्रीनिवास वेंकट कृष्णन लास्ट मैच के अंदर 9 रन किए, 10 ओवर्स की गेंदबाजी के, विकेट लेस रहे, लेकिन ओवर्स पूरी करवाइए, तो रिस्क लेना चाहो तो इनके ऊपर ले सकते हो। बाकी रियान खान वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, और इस टीम का आई थिंक मुझे लगता है तब तक के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर यहाँ से रियान खान। इससे पहले इनके 1 मैच के अंदर 6 विकेट के रिकॉर्ड्स मिले थे, और लास्ट मैच के अंदर भी उन्होंने 3 ओवर्स की 10 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाली, तो एज अ प्लेयर ऐसे रियान खान वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सुरानी को लेके जाएंगे लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, इससे पहले इनके कुछ आंकड़े इतने कुछ खास नहीं है। गणपति ओके रहेंगे, और ऐसे लुकमान मोहम्मद को जरूर ट्राई करना है, क्योंकि इन्होंने भी 10 ओवर्स की पूरी 9 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी की थी, और इससे पहले भी इनके 1 मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट का उनका आंकड़ा मिला हुआ है। ऐसे लुकमान मोहम्मद को जरूर ट्राई करेंगे, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी, ऐसे डेथ ओवर्स वगैरह में भी आने की संभावना रहेगी। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे ए सुरानी और लुकमान मोहम्मद स्टार्ट करेंगे, आई थिंक शायद डेथ में भी ये दोनों ही आ सकते हैं। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी, टेलीग्राम में तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो ऐसे सैयद जाहिद हुसैन को मैंने लिया है, दोषी काफ़ी नीचे आए थे, हो सकता है यहाँ पर 4th-5th नंबर पर बैटिंग के लिए आ सकता है, लेकिन इनकी बैटिंग आएगी या नहीं आएगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे सैयद जाहिद हुसैन की बैटिंग जरूर आएगी, तो इसके लिए मैंने इनको लिया है। बैटिंग सेक्शन में से ऐसे डी मांगू किया, पी भगवत, यहाँ से जे बॉट्सफील्ड, और यहाँ से अब्दुल समद खान। देखो अब्दुल समद खान का सिलेक्शन काफ़ी कम है, तो इनको मैंने पंट प्लेयर के रूप में लिया है, क्योंकि अगर बैटिंग आएगी तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़े बहुत तो रन्स यहाँ से मार सकते हैं, ऐसे 40-50 वाला आंकड़ा तो यहाँ से पार करवा सकता है, तो यहाँ से अब्दुल समद खान एक इम्पोर्टेंट पिक बन सकते हैं अगर यहाँ से बैटिंग आई तो। तो अभी के लिए मैंने इनको लिया है। बाकी ऐसे टी शाहबाज हमारी टीम के रहेंगे, इनका सिलेक्शन काफ़ी कम है, लेकिन ऐसे सिलेक्शन से मुझे लगता नहीं कि कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे ओपोनेंट में होते ही है, तो ऐसे शाहबाज को लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर 77 रन किए थे। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे एस वेंकट कृष्णन और ऐसे एम खान रहेंगे, यानी कि मुदस्सर खान रहेंगे। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एक गर्ग को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, आर खान को हमें लेना पड़ेगा भाई, आर खान को हम लोग नहीं छोड़ के जा सकते यहाँ पर, इनको किसी भी कॉस्ट पर लेना पड़ेगा। रियान खान को तो हमें किसी एक बैट्समैन के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से टी शाहबाज के ऊपर रिस्क लेके यहाँ पर आर खान को ले रहा हूँ। देखो टी शाहबाज को मैंने ड्रॉप किया है, आप लोग चाहे तो ऐसे अब्दुल समद खान को ड्रॉप करके टी शाहबाज को ले सकते हो, बाकी मैं यहाँ पर इनको ड्रॉप करके ऐसे रियान खान को ले रहा हूँ। और ऑलराउंडर बॉलिंग सेक्शन में से ऐसे ए त्रिवेदी, एल महमूद और ऐसे ए सुरानी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। टीम की बात करो तो टीम मेरी कुछ इस तरह से रह सकती है, कैप्टन हमारे
पी भगवत रहेंगे। अभी पी भगवत देखो बैटिंग से भी उनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स है और बॉलिंग्स पे बॉलिंग्स भी पूरी करवाएंगे, तो इसके लिए मैंने इनको कैप्टनशिप दी हुई है। वाइस कैप्टन ऐसे मुदस्सर खान रहेंगे क्योंकि ये टॉप में बैटिंग के लिए आए थे और ओवर्स वजह से 10 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवा सकते हैं। बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर ए त्रिवेदी एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर कतार की टीम के से किसी कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो ऐसे रियान खान के ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहेगी डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनके अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है फैंटासी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक का पूरा वीडियो देखते रहो, चैनल सब्सक्राइब करते रहो, चीटी मना दो, अच्छी मीनिंग करते रहो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।